हेलो दोस्तों, तो भाई के गैराज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछली वीडियोस पे आपने इतने अच्छे व्यूज़ दिए और लाइक्स दिए। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मगर आपने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए हैं मुझे। ये काफ़ी मुझे मोटिवेट कर रहा है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो हम लोग के अराउंड 1300 व्यूज़ पूरे हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँ जो आपको अच्छा लगे, और वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी कभी पानी में चली जाए तो क्या करें। अगर आपकी बाइक या स्कूटी पानी में चली जाए और उसके बाद स्टार्ट ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, अगर पानी इतना है कि आपके एयर फिल्टर तक चला जाए, आपको लग रहा है कि पानी एयर फिल्टर में गया है, तो गाड़ी को तुरंत बंद कर दीजिए। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए कि अगर आप पानी वाटर क्रॉस कर रहे हैं और पानी आपके एयर फिल्टर तक चला गया है, गाड़ी तुरंत बंद कर दें। तो जानते हैं कि अगर आप सबसे पहले जानते हैं कि पानी अगर गाड़ी के अंदर चला जाए, इंजन के अंदर, तो क्या मतलब एयर फिल्टर के अंदर पानी चला जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जैसे ही पानी एयर फिल्टर के अंदर जाता है तो उसको अंदर सक कर लेता है, एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ वो अंदर सक हो जाता है। तो जब सक हो जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि वो मतलब उसके कार्बोरेटर के अंदर चला जाएगा, और पानी जो ऑयल से जो है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है तो कार्बोरेटर में नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए आपकी गाड़ी जो है वो रुक रुक के चलने लगेगी, या फिर आपको लगेगा कि कुछ छोड़ रही है, प्रॉपर आपका थ्रॉटल नहीं चलेगा, प्रॉपर आपको पिकअप नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़, जो एयर फिल्टर है उससे एयर फ्यूल मिक्स उससे पानी जाएगा और पानी और फ्यूल का मिक्सचर इंजन में चला जाएगा। तो इंजन में जब कंप्रेशन होगा तब तो पेट्रोल तो जल जाएगा, अगर थोड़ा सा पानी है तो वो वाटर वेपर बन के एस्केप कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी है तो वो वहीं पे रहेगा और पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, और पिस्टन के ऊपर पहले से स्ट्रोक का फोर्स रहेगा, तो दोनों फोर्स की वजह से जो कनेक्टिंग रॉड है वो बेंड हो सकता है। या और अगर थोड़ा सा पानी है तो हो सकता है या तो कनेक्टिंग रॉड बेंड होगा, या फिर आपका जो पिस्टन रिंग्स है उसे लीक करके इंजन सम्प में चला जाएगा। यानी पानी ऊपर से सिलेंडर हेड से नीचे आया पिस्टन रिंग से लीक करके, तो जो वो आपका इंजन ऑयल रहता है उसमें मिल जाएगा। और जब इंजन ऑयल में पानी मिलता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन पावर बहुत ही कम हो जाता है जब उसमें पानी मिल जाता है, तो वियर एंड टियर बहुत बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके इंजन में पानी चला जाए तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और कैसे कैसे नुकसान हो सकता है। और एक और चीज़, अगर जो पिस्टन जो कनेक्टिंग रॉड्स रहते हैं और बाकी कंपोनेंट्स रहते हैं, अगर वो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो पूरा फोर्स उन्हीं पे कनेक्टिंग रॉड पे आएगा, तो कनेक्टिंग रॉड्स बेंड हो जाते हैं अगर आपके इंजन में पानी चला गया। अगर आप बहुत अनलकी हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया हो, तो कनेक्टिंग रॉड्स भी बेंड हो सकते हैं और अदर कॉम्पोनेंट्स भी इंजन के डैमेज हो सकते हैं। तो अब जानते हैं कि अब क्या किया जाए इससे बचने के लिए। तो अगर पानी आपकी गाड़ी में चला ही गया है, अगर बहुत ज़्यादा पानी चला गया है, जैसे कि आपके कनेक्टिंग रॉड्स वगैरह डैमेज हो गए हैं, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर थोड़ा सा पानी गया है तो सबसे पहले तो आप क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप एयर फिल्टर को निकालिए, एयर फिल्टर को निकालिए और उसको कोशिश कीजिए कि सुखाने का। वैसे अगर एयर फिल्टर में पानी चला गया है तो एयर फिल्टर प्रॉब्ली खराब ही हो जाता है। जो कागज़ वाले एयर फिल्टर, दो तरह के, फोम वाला होता है, कागज़ वाला होता है। अगर कागज़ वाले एयर फिल्टर हो तो खराब हो जाएगा, तो उसमें आपको नया एयर फिल्टर डालना ही पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ डोमिनर का, तो डोमिनर या ऐसे करके सारी बाइक्स में एक एयर फिल्टर के पास ड्रेन नट बना रहता है। अगर आप कि एयर फिल्टर में पानी चला गया है तो उस ड्रेन नट को खोल दीजिए, पानी आपका जो है एयर फिल्टर से बाहर आ जाएगा, उस बॉक्स से पूरे कंपार्टमेंट से बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप जो है कीजिए कि अगर वो स्पार्क प्लग है, अपने स्पार्क प्लग को आप निकालिए, स्पार्क प्लग को निकाल के किक मारिए। इससे जो होगा ना, अगर थोड़ा बहुत पानी आपके सिलेंडर हेड में होगा तो उसको भी निकाल देगा। इससे पहले आपको एक काम करना होगा, सब एयर फिल्टर को सुखाने के बाद दूसरा काम आपको जो करना होगा वो पेट्रोल ऑफ कर दीजिए, और कार्बोरेटर में नीचे एक ड्रेन नट बना रहता है उसको खोल दीजिए जब तक सारा पेट्रोल गिर ना जाए। अगर कार्बोरेटर में पानी होगा तो उस सारा का सारा उससे निकल जाएगा ड्रेन नट खोलने के बाद। फिर उसके बाद आप ये कीजिए कि आप सिलेंडर, फिर उसके बाद आप जो है ना इसको स्पार्क प्लग निकाल दीजिए, और स्पार्क प्लग निकालने के बाद पेट्रोल ऑफ करके किक मारिए। किक मारने से जितना भी पानी आपके सिलेंडर हेड में होगा वो सब निकल जाएगा। तो
इसके बाद जब आप थोड़ा 2 4 या 10 किक मार देंगे, तब उसके बाद वापस स्पार्क प्लग को पोंछ के लगाइए। जब आपको लगे कि सारा पानी निकल चुका है, तब आप स्पार्क प्लग को वापस पोंछ के लगाइए और उसके बाद जो है स्टार्ट करके देखिए। और फिर जो आखिरी चीज़ है वो आप ये करिए कि आप इंजन ऑयल को ड्रेन कर लीजिए। जब इंजन ऑयल ड्रेन करके उसकी जगह नया इंजन ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि इंजन ऑयल में भी पानी मिल चुका होगा। ये चांसेस है कि इंजन ऑयल में भी पानी मिल चुका होगा। तो अगर इंजन ऑयल में पानी नहीं है तो अच्छा है, अगर इंजन ऑयल में पानी मिल चुका है तो आप चेंज कर दीजिए। तो इससे वापस आपकी बाइक जो है पहले जैसे, बाइक या फिर स्कूटी ये सब पहले जैसे नॉर्मल चलने लगेंगे। और अगर इंजन कंपोनेंट्स डैमेज हो चुके हैं, ज़्यादा पानी चला गया है, तब आपको जाना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर चेंज करवाने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके इंजन में पानी चला जाए तो आपको क्या करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।